हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम वंस अगेन। हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इससे पहले इस चैप्टर के ऊपर 5 क्लासेस को अपलोड किया गया है। हो सकता है आज हम लोग जिस टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे इस क्लास में ये आपका समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप पहले इस चैप्टर के ऊपर अपलोड किया गया प्रीवियस वीडियो को पहले देखें, फिर इस क्लास में आइए तो आज का टॉपिक आपका समझ में जरूर आएगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि जब दो कंडक्टर पैरेलली रन कर रहा है एंड उसमें से करंट भी फ्लो हो रहा है, तब ये दोनों कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स एक्टिंग होता है। ये फोर्स क्यू एक्टिंग होता है, और फोर्स अगर एक्टिंग होता है तो कितना फोर्स एक्टिंग होता है, आज का टॉपिक इसी को लेके डिस्कस करेंगे हम लोग। तो चलिए देख लेते हैं। पहले दो कंडक्टर ले लेते हैं। मान लीजिए ये एक कंडक्टर है और इसके साइड में और एक कंडक्टर पैरेलली रन कर रहा है, तो ये दोनों कंडक्टर में से करंट भी फ्लो हो रहा है। मान लीजिए इस कंडक्टर में से I1 करंट फ्लो हो रहा है एंड इस कंडक्टर में से I2 करंट फ्लो हो रहा है। आप में से कई सारा स्टूडेंट शायद जानते हैं, पढ़ भी चुके हैं कि अगर दोनों कंडक्टर में से पैरेलली करंट फ्लो होता है तो दोनों कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगता है, कभी कभी ये फोर्स एट्रैक्टिंग फोर्स होता है, कभी कभी ये फोर्स रिपल्शन फोर्स होता है। आप लोग जानते हैं, बहुत सारा स्टूडेंट ये जानते हैं कि दोनों कंडक्टर के ऊपर किसी एक कंडीशन में फोर्स एट्रैक्टिंग होता है, यानी कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, और एक कंडीशन भी है जब दोनों कंडक्टर आपस को रिपल्स करता है, एक दूसरे को रिपल्स करता है। तो आज हम लोग देखेंगे क्यों ऐसा होता है, क्यों फोर्स लगता है। तो चलिए मान लेते हैं कि ये दो कंडक्टर हैं जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है और ये दो कंडक्टर पैरेलली रन कर रहा है, इसमें से I2 करंट फ्लो हो रहा है और इसमें से I1 करंट फ्लो हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्रीवियस क्लास को देखिए, अगर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया गया था, तो आप जानते होंगे जब किसी भी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है तो उसका अराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड जेनरेट होता है, एंड इस जो मैग्नेटिक फील्ड जेनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो कैपिटल बी से डिनोट किया गया था, एंड इस मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। इसका डायरेक्शन हम लोग निकाले थे राइट हैंड ग्रिप रूल और राइट हैंड थंब रूल के द्वारा। तो मान लीजिए पहले इस कंडक्टर को छोड़िए, इस कंडक्टर के बारे में बात करते हैं। तो मान लीजिए इस कंडक्टर में से इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर आपको कहा जाए कि इसका अराउंड में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो आप क्या करोगे, आप पहले आपका राइट हैंड खोलो एंड करंट की डायरेक्शन में आपका थंब रखो, करंट के डायरेक्शन में थंब रखो, और ये जो चारों उंगलियां है इस चारों उंगलियां को कर्ल करो। कर्ल करने से क्या देख रहे हो कि इधर जो कंडक्टर के राइट साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो बोर्ड की अंदर की ओर जा रहा है, यानी कि क्रॉस नोटेशन। इस साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो बोर्ड की अंदर की ओर जा रहा है, और इस साइड में क्या हो रहा है, इस साइड में बोर्ड में से ऊपर आ रहा है, यानी कि डॉट नोटेशन। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, मैंने मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म Part 3 के क्लास में आपको बताया था, शायद आप अगर उस वीडियो को देखे हो तो आप जानते हो कि अगर किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा जाए तो क्या होगा। देखो, मान लीजिए कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड बी है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उधर है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उधर है तो इस मैग्नेटिक फील्ड एरिया में अगर एक कंडक्टर को रखोगे, थोड़ा सा इंक्लाइंड रखो, अगर किसी भी कंडक्टर को रखोगे, तो मान लीजिए ये कंडक्टर को मैंने रखा एंड इस कंडक्टर में से करंट भी फ्लो करवा रहा हो, I करंट फ्लो करवा रहा हो,
तो इस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स एक्ट होगा, एक फोर्स उसमें अप्लाई होगा। ये जो फोर्स अप्लाई होगा, ये फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, ये हम लोग पाम रूल के द्वारा डिटरमाइन किए थे। कैसे? कि मैंने बोला था कि जिस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगा वो करंट कैरिंग कंडक्टर होना चाहिए, नहीं तो फोर्स नहीं लगेगा। तो अगर करंट कैरी हो रहा है तो करंट का डायरेक्शन में आपका थंब रखो, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में आपका ये बाकी चारों उंगलियों को रखो। तो आपका पाम क्या शो कर रहा है, ये कंडक्ट ये पाम जिधर शो करेगा उसी डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगा, यानी कि बोर्ड के अंदर जाएगा तब ये कंडक्टर, बोर्ड के अंदर की ओर एक फोर्स लगेगा, एक कंडक्टर बोर्ड के अंदर की ओर घूम जाएगा। तो ऐसे करके अगर मैग्नेटिक फील्ड में, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करोगे तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर में एक फोर्स अप्लाई होगा, ये हम लोग देख चुके हैं। तो अभी ये जो कंडक्टर है इसमें से आयन करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रहा है, इस साइड में अंदर की ओर जा रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर के ऊपर, फिलहाल ये अभी करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। देखो ये कंडक्टर क्या कर रहा है, करंट फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है अराउंड दिस कंडक्टर। तो इधर इस कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है, ऐसे ऐसे देखो ऐसे करके जा रहा है, यानी कि इधर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ये क्रॉस बन रहा है, सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस नोटेशन है। तो इस कंडक्टर के ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर की ओर जा रहा है और करंट किधर जा रहा है, इस कंडक्टर का करंट ऊपर जा रहा है। ये फिलहाल ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर मान लीजिए ए कंडक्टर है, ये बी कंडक्टर है। तो अभी ये जो बी कंडक्टर है ये मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया है, बी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया है एंड उसका करंट जो है वो I2। तो ये कंडक्टर है जिसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया है, तो इसमें फोर्स लगेगा कि नहीं, मैंने बताया था फंडामेंटल जो चीजें है कि अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करोगे तो उस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स एक्ट होगा। अभी ये फोर्स जो एक्ट होगा, ये फोर्स किधर एक्ट होगा, फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकलते हैं, अभी बताया मैंने कि आप करंट का डायरेक्शन में आपका थंब रखो और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में रिमेनिंग फोर फिंगर को रखो। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, देखो बोर्ड के अंदर की ओर है, तो अगर बोर्ड के अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है, करंट ऊपर जा रहा है, तो फोर्स किधर लगेगा, फोर्स आपका पाम बता रहा है कि फोर्स इधर लगेगा। तो चलिए फोर्स अगर इधर लगेगा तो इस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लग रहा है जो कि इधर लग रहा है, मान लीजिए कि एक फोर्स लग रहा है F1, ये फोर्स क्यों लगा, ये फोर्स आई कंडक्टर वन की वजह से कंडक्टर टू में लगा, इस फोर्स कंडक्टर वन की वजह से कंडक्टर टू में ये फोर्स एक्ट हुआ। तो ये जो फोर्स है F1 फोर्स कंडक्टर वन F1 फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर ड्यू टू कंडक्टर वन, यानी कि कंडक्टर टू में जो फोर्स एक्ट हुआ उसका कारण कंडक्टर वन है, तो ये फोर्स इधर लग रहा है। अभी हम लोग देखेंगे कि इसमें से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इसका भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, देखो इसका भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे कि इसमें से करंट फ्लो हो रहा है
तो इसका एक मैग्नेटिक फील्ड था, उसी मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर असर डाला था, इसके ऊपर फोर्स एक्टिंग किए थे। तो अभी कंडक्टर टू में से भी करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका भी एक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा ना। तो इसका भी अगर एक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? करंट जा रहा है ऊपर, तो अगर ऊपर करंट जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन में आपका थंब रखो और ये रिमेनिंग फोर फिंगर को कर्ल करो। कर्ल करने से क्या डायरेक्शन बता रहा है? इस कंडक्टर के राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर की ओर जा रहा है, और कर्ल करो, अंदर की ओर जा रहा है, इधर से बाहर आ रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, इधर से बाहर आ रहा है। यानी कि इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन है राउंड ऑफ शेप, वो मैग्नेटिक लाइन्स क्या कर रहा है, इस कंडक्टर के ऊपर जब इफेक्ट डल रहा है, इस कंडक्टर के एरिया में जब इफेक्ट डल रहा है, तब कैसे इफेक्ट डल रहा है? देखो, बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, ऐसे करके अंदर जा रहा है, इस में से बाहर आ रहा है। तो इस एरिया में इसकी वजह से, इस कंडक्टर की वजह से इस एरिया में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो डॉट है, वो डॉट है, क्योंकि बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है। देखो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना है अराउंड दिस कंडक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड किसने बनाया? ये सेकेंड वायर, यानी कि वायर बी, वायर बी, यानी कि इस कंडक्टर, इसको ए कहो, ए टू, कंडक्टर वन, कंडक्टर टू। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना है ये कंडक्टर टू ने बनाया, जैसे कि इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाया था? कंडक्टर वन ने बनाया था। तो अभी इधर कैसा, इस कंडक्टर के ऊपर कैसा फोर्स लगेगा और उस फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? देखो, आप खुद निकाल सकते हो। डायरेक्शन कैसे निकलता है? पाम रूल से, पाम रूल से। आपका जो ये चारों फिंगर है इसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखो और करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में आपका थंब फिंगर रखो। तो रख के देखो, जैसे कि मैंने रखा है, ये पूरा मैच हो गया है, क्योंकि इधर से आ रहा है, बाहर आ रहा है, तो बाहर आ रहा है यानी कि ये चार जो फिंगर है, ये जो रिमेनिंग फोर फिंगर है, ये इस फिंगर को ऐसे बाहर की ओर, और करंट का डायरेक्शन देखो ऊपर, यानी कि फोर्स किधर लगेगा? उधर, उधर फोर्स लगेगा, उधर। तो अभी इस कंडक्टर के ऊपर कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है? इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई है, मान लीजिए एफ टू फोर्स अप्लाई हो रहा है, सपोज दैट एफ टू फोर्स अप्लाई हो रहा है। अभी एक बात कहो, ये दोनों कंडक्टर जब पैरेलली रन कर रहा है, पैरेलली जब रन कर रहा है, दोनों कंडक्टर में से सेम करेंट फ्लो हो रहा है, सेम करेंट फ्लो हो रहा है, तो दोनों कंडक्टर में जो फोर्स लगेगा सेम ही तो होगा ना, क्योंकि करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है, करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो दोनों का करंट अगर सेम होगा तो ये जो फोर्स लगेगा ऑन द कंडक्टर वन एंड कंडक्टर टू, ये दोनों फोर्स का जो इंटेंसिटी होगा, जो क्वांटिटी होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा, वो सेम ही होगा। तो एक चीज मैंने बताया नहीं, मान लीजिए दो कंडक्टर का तो एक सेपरेशन है, ऐसा नहीं कि ये जोड़ के जा रहा है, पैरेलल में जा रहा है। तो मान लीजिए कि इसका जो डिस्टेंस है, इसको मैं आर ले लेता हूं, ये डिस्टेंस आर दूरी में दो कंडक्टर पैरेलली रन कर रहा है, आर डिस्टेंस में दो कंडक्टर पैरेलली रन कर रहा है। आपका मानना क्या है कि ये आर अगर ज्यादा होगा तो फोर्स कितना लगेगा? ये तो कॉमन सेंस है, क्योंकि आर जितना ज्यादा होगा, मैंने क्या बताया, एक कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है तो इसका अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होगा अगर जितना कंडक्टर के नजदीक जाओगे, जितना कंडक्टर के नजदीक जाओगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगा, और अगर आप कंडक्टर से दूर चले जा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है वो घटेगा। तो ये आर के ऊपर फोर्स जरूर डिपेंड करेगा, फोर्स जो लगेगा ना ये इस डिस्टेंस के ऊपर जरूर डिपेंड करेगा, ये बात
माइंड में रखो। तो पता चला कि क्यों दो कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगेगा। अभी अपने क्या देख रहे हो कि ये कंडक्टर इसको अपनी ओर खींच रहा है, ये कंडक्टर दूसरा कंडक्टर को अपनी ओर खींच रहा है, क्योंकि फोर्स जो लगे है अभी ऐसे करके। तो इस कंडक्टर का जो सिचुएशन हो जाएगा वो कुछ ऐसे हो जाएगा। हो सकता है हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि फोर्स जो होता है ना बहुत ही कम होता है। इसमें से जितना भी करंट फ्लो करवाओ, फोर्स जो होता है ना बहुत ही कम होता है। हो सकता है हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसका जो डिफॉर्मेशन है, कंडक्टर का जो डिफॉर्मेशन है, ये हम लोग दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो प्रैक्टिकली दोनों एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो क्या देखा, जब दो कंडक्टर में से सेम डायरेक्शन में करेंट फ्लो हो रहा है तो एक कंडक्टर दूसरे कंडक्टर को अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, ये कंडक्टर इसको अट्रैक्ट करेगा, ये कंडक्टर इसको अट्रैक्ट करेगा। अभी देखते हैं कि अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो क्या होता है। ये फंडामेंटल मैटर अगर आपका समझ में आ जाएगा तो आप खुद ही निकल सकते हो। देखो, मान लीजिए दो कंडक्टर पैरेलली रन कर रहा है आर दूरी पे, आर डिस्टेंस पे दो कंडक्टर पैरेलली रन कर रहा है। सपोज दैट आर डिस्टेंस पे दो कंडक्टर पैरेलली रन कर रहा है, इसमें से करंट ऊपर जा रहा है इस डायरेक्शन में, इसमें से करंट नीचे की ओर आ रहा है, आई वन ऊपर आई टू नीचे। तो ये हुआ कंडक्टर नंबर वन, ये हुआ कंडक्टर नंबर टू। अभी देखो, ये आई वन करंट की वजह से इस कंडक्टर के सराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। इस मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा इस साइड में कौन सा डायरेक्शन होगा, बोर्ड के अंदर की ओर। अगर बोर्ड के अंदर की ओर होगा, देखो आपका थंब को रखो, थंब को बाकी चारों उंगलियों को आप कर्ल करो, कर्ल करने से क्या देख रहे हो, इस साइड में बोर्ड के अंदर की ओर जा रहा है, यानी कि इस कंडक्टर के साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बोर्ड के अंदर की ओर जा रहा है। तो अभी इस कंडक्टर में जो फोर्स एक्ट होगा वो फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। देखो, मैग्नेटिक फील्ड उधर जा रहा है और करंट नीचे। देखो एरो, करंट नीचे। फिर से मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर की ओर जा रहा है, तो आपका ये चारों उंगलियां इस डायरेक्शन में रखो और करंट की डायरेक्शन में थंब रखो। तो करंट की डायरेक्शन में थंब रखना पड़ेगा तो इस हाथ को घुमाना पड़ेगा। देखो अभी हुआ कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ये चारों उंगलियां और करंट के डायरेक्शन में ये थंब, तो फोर्स किधर लग रहा है, बाहर की ओर, उधर पाम किधर बता रहे, उधर। तो इसमें जो फोर्स लगेगा ये इधर लगेगा, मान लीजिए ये फोन है, ये टू भी कह सकते हो, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अभी देखते हैं इस कंडक्टर में किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इधर जनरेट हुआ, उस इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इधर फोर्स लगा, तो इस करंट की, ये जो करंट नीचे आ रहा है, ये जो करंट नीचे आ रहा है, इसके वजह से भी इस कंडक्टर के सराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड होगा जिसका असर इसमें पड़ेगा। तो देखो, इसका करंट का डायरेक्शन किधर है, करंट का डायरेक्शन नीचे है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस साइड में किधर, देखो कर्ल करो, इस साइड में बोर्ड के अंदर की ओर जाएगा, बोर्ड के अंदर की ओर जाएगा। तो अंदर और उस साइड में डॉट, बाहर उस साइड में करंट के डायरेक्शन में थंब, और इसको घुमाओ तो इस साइड में बोर्ड के अंदर की ओर, यानी कि इधर भी डॉट नोटेशन ही हो रहा है इसके साइड में। इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो भी बोर्ड के अंदर की ओर जा रहा है। अभी देखो, ये बोर्ड के अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है तो फोर्स किधर बनेगा, पाम रूल अप्लाई करो, आप करो, करंट की डायरेक्शन में थंब रखो, रखा है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में ये चारों उंगलियां रखो, रख के किधर देख रहे हो, पाम किधर शो कर रहा है, आप बताओ, बाहर, इधर। तो ये इस कंडक्टर में एक फोर्स लगेगा, आप एफ वन भी बता सकते हो, एफ टू भी बता सकते हो, आपका मर्जी। तो ये बाहर की ओर रिपेल करेगा, यानी कि दो कंडक्टर आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। तो अगर सेम करंट जाएगा तो एफ वन इक्वल्स टू एफ टू होगा,
ये तू जानता है, एफ वन इक्वल्स टू एफ टू होगा। इसीलिए ये कंडक्टर का जो डिफॉर्मेशन होगा वो कुछ ऐसा ऐसा चल रहा था, वो ऐसा हो जाएगा। रिपल 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 का मतलब क्या होता है, ये कंडक्टर दूर चला जाएगा एक दूसरे। तो देखो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर में से अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो वे कंडक्टर अपने एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो ये होगा कि क्यों रिपेल करेगा, क्यों अट्रैक्ट करेगा, क्यों फोर्स लगेगा, अगर फोर्स लगेगा तो किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अभी आप जरूर जानना चाहोगे कि फोर्स जो लगेगा इस फोर्स का अमाउंट कितना होगा, तो ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको मिटा देता हूं, इसको भी मिटा देता हूं, इसको लेके चलता हूं। तो मैंने किसी एक फोर्स को निकालता हूं, इस फोर्स को एफ वन कह देता हूं क्योंकि ये कंडक्टर वन है, इस फोर्स को एफ टू कह देता हूं क्योंकि ये कंडक्टर टू है। अभी एक करेंट कैरिंग कंडक्टर में एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक करेंट कैरिंग कंडक्टर को रखोगे, मैग्नेटिज्म का पार्ट थ्री के क्लास में इसके बारे में बहुत ही डिस्कस किया गया था। तो इस कंडक्टर में से अगर करेंट फ्लो हो रहा है तो इस कंडक्टर में कितना फोर्स एक्ट होगा, कितना फोर्स एक्ट होगा, तो उसका जो फॉर्मूला था एफ इक्वल्स टू बी एल आई साइन थीटा। ये जो थीटा है ये है मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो लेंथ वेक्टर है, करंट ही कह सकते हो, जो लेंथ वेक्टर है उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो है थीटा। तो अभी हम लोग क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, इफ चलो एफ टू को डिटरमाइन करेंगे। तो एफ टू को अगर डिटरमाइन कर रहा है तो ये जो आई है ये कौन सा आई है, इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, यानी कि इस कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। तो इस कंडक्टर के इसमें से अगर आई फ्लो हो रहा है तो तब इक्वेशन बनता है बी एल आई साइन थीटा। ये जो आई है ये जिस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लग रहा है उसी कंडक्टर की करंट है, उसी कंडक्टर की करंट है। ये जो आई है ये इधर दो करंट है, तो ये जो करंट है हम किसका फोर्स निकाल रहे हैं, कंडक्टर टू का। तो इसके साथ इसको सिंक्रोनाइज करो कि ये कंडक्टर में कितना फोर्स लगेगा, तो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी, लेंथ कितना है इस कंडक्टर का, लेंथ कितना है, एंड ये जो आई है इस कंडक्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, और ये जो साइन थीटा है ये साइन थीटा मैग्नेटिक फील्ड के साथ लेंथ वेक्टर कितना एंगल मेट कर रहा है, ये है, ये होता है। तो अभी आप इधर क्या देख रहे हो, इधर तो फिलहाल 90 डिग्री नहीं है, लेकिन इधर मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये करेंट कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, 90 डिग्री। तो हम निकल रहे हैं इधर का फोर्स, तो साइन 90 डिग्री, साइन थीटा साइन 90 डिग्री, जिसका वैल्यू होता है 1। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं एफ इक्वल्स टू वी एल आई, जस्ट बी एल आई, साइन थीटा का वैल्यू 1 है। तो अभी बी, ये जो बी है ये बी कौन बना रहा है, हम निकल रहा है कंडक्टर 2 के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। तो बी कौन बना रहा है, कंडक्टर 1, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है, कंडक्टर 1। तो बी कौन बना रहा है, कंडक्टर 1। अभी कितना बी बना रहा है, किसी एक पॉइंट में कितना बी बना रहा है, किसी एक पॉइंट में कितना बी बना रहा है। देखो पहले एक चीज ध्यान से सुनो कि ये जो कंडक्टर है पैरेलली रन कर रहा है, हो सकता है इसका लेंथ 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, हम लोगों को पता नहीं कितना लेंथ है, इनफाइनाइट लेंथ है। अगर दो कंडक्टर पैरेलली रन कर रहा है तो
इसका लेंथ बहुत दूर तक भी हो सकता है। तो अगर बहुत दूर तक भी लेंथ हो सकता है तो हम कैसे निकालेंगे इतना लेंथ का जो फोर्स है? हम लोग क्या निकालना चाहते हैं कि इस कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। तो पूरा मान लीजिए कि ये 20 किलोमीटर यानी कि 20 किलोमीटर लेंथ का एक कंडक्टर है, तो 20 किलोमीटर लेंथ का कंडक्टर का फोर्स निकालना पॉसिबल है? नहीं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पर यूनिट लेंथ हो सकता है पर मीटर लेंथ के कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। हो सकता है उसका जो लेंथ है वो 100 किलोमीटर लेंथ है, लेकिन हम लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं कि 100 किलोमीटर कंडक्टर का ऊपर कितना फोर्स लग रहा है ये डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं। तब हम लोग क्या करते हैं, हम आपको ये बता सकते हैं कि इस कंडक्टर के एक मीटर लेंथ में कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है ये जरूर बता सकते हैं। तो हम लोग वही करते हैं। तो ये इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है, तो बी जो होता है इनफाइनाइट लेंथ की कंडक्टर की वजह से मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 बाय, ये फॉर्मूला है, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 आई, किसका आई, कंडक्टर 1, क्योंकि ये बी कौन बना रहा है अभी जिस सिचुएशन में हम लोग हैं, ये बी कौन बना रहा है, इस कंडक्टर बना रहा है, तो 2 आई 1 बाय डिस्टेंस को हम लोग क्या लिए थे, आर। तो ये है बी, इसको थोड़ा साइड में लिखते हैं क्योंकि इधर कैलकुलेशन होगा। बी इनफाइनाइट लेंथ की कंडक्टर की वजह से किसी भी पॉइंट में जितना मैग्नेटिक फील्ड जेनरेट होता है उसका जो फॉर्मूला है वो है म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू करेंट, 2 इंटू करेंट, करेंट कौन कंडक्टर की करेंट, जो कंडक्टर इस बी को बना रहा है, कंडक्टर 1 बना रहा है, फिलहाल हम लोग फोर्स ऑन कंडक्टर 2 ये निकल रहे हैं, तो 2i1 बाय डिस्टेंस कितना लिए, आर। ये होता है इनफाइनाइट लेंथ की कंडक्टर की वजह से किसी भी पॉइंट में अगर मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है तो कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो डिटरमाइन करने का फॉर्मूला। जैसे कि आप जानते हो कि अगर किसी DL एलिमेंट की वजह से जितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो है DB इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू IDL साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये बायो सेवर्ट लॉ है। आप ये भी जानते हो कि अगर एक फाइनाइट लेंथ की कंडक्टर की वजह से जितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है ऑन ए पॉइंट वो है बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाय ए साइन फाइ 1 माइनस साइन फाइ 2। ये सब हम लोग पिछले क्लासेस में देखे थे, तो ये सारा के सारा और एक बार रिकैप कर देते हैं। ये होता है, तो इनफाइनाइट ये जो F2 हम लोग निकल रहे हैं ये तो इनफाइनाइट फोर्स निकालने की ट्राई कर रहे हैं। F2 जो निकाल रहे हैं ये तो इनफाइनाइट फोर्स को निकालने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं। तो ये B के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैं बता रहा हूं इसके बाद हम लोग पर यूनिट लेंथ के फोर्स ही निकालेंगे। तो ये बी के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 I1 by R, ऐसे लिख सकते हैं बी के जगह। L की जगह क्या लिख सकते हैं, इस कंडक्टर का मान लो कि लेंथ है, इस कंडक्टर का लेंथ है L, इस कंडक्टर का लेंथ है L, तो L की जगह L लिखते हैं। और I के जगह ये जो I है, मैंने बार बार बताया ये जो I है ये I2 है, क्योंकि
क्योंकि ये जिस कंडक्टर को आपने प्लेस किए हो उसी का करंट है, तो ये इनटू आई टू, तो अभी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट बाय फोर पाई इनटू टू टू आई वन आई टू इनटू एल बाय आर। अभी ये जो फोर्स है, ये फोर्स इनफाइनाइट लेंथ की फोर्स है, ये निकालना पॉसिबल नहीं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ मेजर करते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इधर आप एल से डिवाइड करोगे, तो इधर भी आपको एल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर एल से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, देखो एल एल कैंसिल, म्यू नॉट बाई फोर पाई इंटू टू आई वन आई टू बाई आर, आर डिस्टेंस, इसको ऐसे भी मिल सकता है आपको और ऐसे भी, ये भी एक फॉर्मूला है, एफ कितना एफ होगा इसका फॉर्मूला ये है। और ये अगर आप ये टू को इस फोर को इस टू से कैंसिल करोगे तो ऐसा भी हो सकता है म्यू नॉट बाय टू पाई इंटू आई वन इंटू आई टू बाय आर, ये भी एक फॉर्मूला है, सेम ही है। तो ये हो जाएगा आपका फोर्स। अभी देखो कौन सा फोर्स निकाला आपने, एफ टू निकाला, अभी आप एफ वन निकालना चाहते हो तो ये सेम ही होगा ना, सेम ही होगा ना, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें जितना करंट फ्लो हो रहा है इसका करंट भी सेम है, तो इसके लिए इसके ऊपर जितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो जितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसके वजह से इसके ऊपर उतना ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड सेम बनेगा, लेंथ भी सेम है, करंट भी सेम है, और दोनों केस में हम लोग देख रहे हैं कि साइन 90 डिग्री है, तो ये जो फोर्स इसके वजह से इसके ऊपर लगेगा उसका भी ये सेम ही आएगा, म्यू नॉट बाई फोर पाई टू इंटू आई वन इंटू आई टू बाई आर, ये इतना अमाउंट ऑफ फोर्स दोनों कंडक्टर में लगेगा। अभी आप सोच रहे हो कि अगर ये अट्रैक्ट करेगा और रिपल्स करेगा तो हम लोगों को दिखाई क्यों नहीं पड़ता है, हम लोगों को कभी देखे नहीं कि अगर दो कंडक्टर साइड बाय साइड जा रहा है तो हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अट्रैक्ट कर रहा है और रिपल्स कर रहा है, देखने की कोशिश कर रहा है, तो दिखाई नहीं पड़ता है कि अट्रैक्ट कर रहा है कि रिपल्स कर रहा है, दिखाई नहीं पड़ता है, डिफॉर्मेशन हम लोग को दिखाई नहीं पड़ता है, दिखाई नहीं पड़ता है क्योंकि फोर्स इतना छोटा होता है, इतना छोटा फोर्स होता है कि हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है। मान लीजिए आप इसमें से 5 एम्पियर करंट फ्लो करवा रहे हो, 5 एम्पियर करंट फ्लो करवा रहे हो, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, हम थोड़ा ऊपर साफ करके इधर लिखते हैं, तो मान लीजिए इस कंडक्टर में आई वन इक्वल्स टू, आई वन इक्वल्स टू 5 एम्पियर, आई टू ऑल्सो इक्वल्स टू 5 एम्पियर, तो कितना फोर्स लगेगा, 5 एम्पियर करंट जो है वो कम नहीं है, बहुत ज्यादा करंट है, 5 एम्पियर बहुत ज्यादा करंट होता है, तो 5 एम्पीयर करंट फ्लो होने से जो अट्रैक्ट करेगा कितना फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, चलिए इस फॉर्मूला में इसको रखते हैं। मान लीजिए इस डिस्टेंस आप 1 मीटर में, 1 मीटर डिस्टेंस में रखे हो, 1 मीटर डिस्टेंस में रखे हो, तो अगर 1 मीटर डिस्टेंस में रखे हो 5 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है दोनों कंडक्टर में से, तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स का जो फॉर्मूला हम लोग निकाले हैं, फोर्स इक्वल्स टू मी नॉट बाई फोर पाई इन टू टू आई वन इन टू I1 into I2 by R, डिस्टेंस, रेडियस नहीं डिस्टेंस, तो इसको पुट करो, म्यू नॉट बाई 4 पाई का जो वैल्यू होता है 10^-7, ओके, इंटू 2 इंटू आई वन कितना है 5, आई टू कितना है 5, डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, अभी इसको सिंप्लीफाई करो, 5 × 2 = 10, 10 × 5 = 50, यानी कि 10^7 इंटू 50, कितना फोर्स, इतना न्यूटन पर
मीटर, न्यूटन पर मीटर, तो कितना है ये 50 बाय 10 टू दी पावर 7। कैलकुलेट करके बताओ कि कितना कम फोर्स है इतना न्यूटन पर मीटर लेंथ में, इतना छोटा सा 50 बाय 10 टू दी पावर 7 जो वैल्यू आपको मिलेगा 0.00000 समथिंग न्यूटन पर मीटर। तो अभी आप कहो कि इसमें जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये मान लीजिए दोनों कंडक्टर में से 5 एम्पियर करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो आपका मानना है कि ये दोनों आपस को एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट अगर करेगा, हाँ डेफिनेटली करेगा, क्योंकि हम लोग देखे अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट जब करेगा तो हम लोग दिखाई तो पड़ेगा ना, नहीं दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 एम्पियर करंट फ्लो करवाने से कितना फोर्स लग रहा है देखो, बहुत ही छोटा सा फोर्स होता है, इसीलिए हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन प्रैक्टिकली हो सकता है इसमें से अगर आप 100 एम्पियर करंट पास करवाओ, अच्छा ठीक है आपको ट्रांसमिशन लाइन मान लो तो 500 एम्पियर करंट फ्लो करवाओ, तो 500 एम्पियर करंट सोचो, तो इतना करंट अगर फ्लो करवाओगे तो तब तो ज्यादा फोर्स लगेगा ना, तो फोर्स लगना अच्छी बात होता है क्या? नहीं होता है। इसीलिए जब 500 एम्पियर करंट फ्लो होगा तब डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा रखा जाएगा, इसीलिए आप शायद देखे हो ट्रांसमिशन लाइन में दोनों कंडक्टर के बीच जो दूरी रहता है बहुत ही ज्यादा रहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, और हमारा जो हाउस वायरिंग तो साइड बाई साइड चला जाता है, क्योंकि उसमें से बहुत ही छोटा करंट पास होता है, छोटा करंट पास होने के कारण उसमें से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का हो, फोर्स ऑफ रिपल्शन का हो, इतना ज्यादा नहीं होता है। इसलिए हम लोग ये दिखाई तो नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये बात सच है कि इसमें फोर्स लगता है। अगर लगेगा तो हम लोगों को जानना भी पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को एग्जाम क्लियर करना है। फोर्स लग रहा है ये दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसके मतलब ये नहीं सर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखकर कुछ चीज के ऊपर हम लोग विश्वास नहीं करते। तो कुछ चीज ऐसा भी होता है कि अगर आप देख नहीं पाओगे, विश्वास भी नहीं करोगे, तो एग्जाम भी नहीं क्लियर कर पाओगे। तो एग्जाम क्लियर करना है तो कुछ चीजों को लॉजिकली साइंटिफिकली आपको मानना पड़ेगा। तो आज का टॉपिक इतना ही, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।